साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। सीएम योगी ने रिश्वत लेने वाले एक अफसर को हवलदार बनाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने रामपुर नगर के तत्कालीन जिला अधिकारी डीएसपी विद्या किशोर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। विद्या किशोर शर्मा को 2021 में रामपुर में पद स्थापित किया गया था, जहां उन्हें रिश्वत मामले में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया था और मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में विद्या किशोर शर्मा को दोषी पाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए डिप्टी एसपी को सिपाही बनाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी गृह विभाग की ओर से ट्वीट कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए डिप्टी एसपी को सिपाही बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, यानी कि भ्रष्टाचार के रोकथाम को लेकर और साथ ही साथ भ्रष्टाचारियों पर जो लगातार लोग कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं, उसी क्रम में अब एक नया मामला सामने आया है। आपको बताएं कि एक उत्तर प्रदेश सरकार में डीएसपी पद पे तैनात एक पुलिसकर्मी को वो डीएसपी पद से उन्हें रिश्वत लेने के आरोप लगा था, जिसके बाद आपको बताया कि आरोप सिद्ध हुए तो डीएसपी को सिपाही पर डिमोशन करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर से आपको बताएं मयूरी, 2021 के अंदर में अगर बात की जाए तो 2021 के अंदर में रामपुर में इनकी तैनाती थी विद्या किशोर शर्मा की, और उस दौरान उन्होंने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद आपको बताया कि ये मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद जांच हुई और जांच के अंदर में ये पाया गया कि डीएसपी विद्या शंकर शर्मा इसमें दोषी है, जिसपे अब सीएम ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए हंटर चलाते हुए वो उन्हें सीधे जो पुलिस वाहिनी की सबसे शुरुआती नौकरी होती है, शुरुआती पद होता है, यानी कि सिपाही, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस बल का सबसे जो मजबूत विंग होता है, साथ ही साथ उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला काम होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सालों की पढ़ाई किए आईपीएस जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, उसको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सबक सिखाते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं इस मामले में, इस मामले की जानकारी जो उत्तर प्रदेश गृह विभाग का ट्विटर हैंडल है, वहां ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। और कहीं ना कहीं ये मयूरी संदेश होगा उन अफसरों के लिए, उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है जो योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार उस पर बात कर रही है, तो इन सब अगर देखा जाए तो अगर कोई भी भ्रष्टाचारी या इससे कोई भी गलत तरीके से रिश्वत ले रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें एक अलग संदेश जाएगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे एक पुलिसकर्मी को डीएसपी पद से सिपाही पद पर वापस भेजा है। आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी इससे कहीं ना कहीं लोग अलर्ट होंगे और जो ऐसे कृतकर्म होंगे उनकी सबक होगी। जी व्यांशु, जैसे आपने भी बताया डिप्टी एसपी को सिपाही पद पर भेजा गया है, तो क्या ये कार्रवाई कर दी गई है? आपको बताएं कि ये मामला 2021 का है, जब कहीं विद्या शर्मा की तैनाती रामपुर में हुआ करती थी, वहां वो सीओ पद पे थे, तो उस वक्त एक महिला से वो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद जांच हुई और अफसरों ने इस वीडियो का, और उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, वीडियो अफसरों तक पहुंचे, उसके बाद इसको संज्ञान में लेते हुए जो एंटी करप्शन टीम है वो हर एक पहलुओं को जांची परखी, और 2021 के मामले को अब मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी, जब दोषी करार हो गया तो मुख्यमंत्री इसे संज्ञान में लेते हुए एक संदेश के तहत डिप्टी, अगर देखा जाए तो
विद्या किशोर शर्मा को उनके पद से उठाकर और पुलिस की सबसे निचली पद पर का जिम्मा दिया है। इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अन्य विभाग और पुलिस विभाग के लिए संदेश जाता है और भ्रष्टाचारियों की बड़ा संदेश जाता है। जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दो तहखानों बेसमेंट के सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पिछले महीने इस मांग पर समय पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर मस्जिद समिति पर जुर्माना लगाया था और मामले में पक्षकार बनने के लिए चार लोगों की मांग खारिज कर दी गई थी। जिन लोगों ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा शामिल हैं। वहीं कुछ आवेदकों ने मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित देवताओं मूर्तियों की नियमित पूजा की अनुमति के लिए मामले में पक्षकार बनने के लिए अनुरोध किया था, जबकि बाकी ने कहा कि उन्हें मामले की विस्तृत जानकारी है। मामले से जुड़े वकील दावा करते हैं कि तहखाने बाजूखाना के पास स्थित हैं जो मस्जिद परिसर में धार्मिक कार्य करने की जगह है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने एक ने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। उनका दावा है कि उन्हें परिसर से बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्या कुछ पूरा मामला है? दोबारा जो है सर्वे कराने को लेकर याचिकाकर्ता राकेश सिंह ने मांग की थी, हिंदू पक्ष ने मांग किया था उसको लेकर, क्योंकि जो पहले का सर्वे था जो एडवोकेट कमिश्नर के आदेश पे जो पहले का सर्वे हुआ था वो सर्वे पूरा नहीं हो चुका, पूरा नहीं हो क्योंकि मस्जिद की दीवारें थी और कुछ जो हिस्सा था वो जो मिट्टी से पटा हुआ था और जो तहखाने का हिस्सा था उस पर जो है मस्जिद पक्ष ने जो है मस्जिद समिति जो है आपत्ति दर्ज कर दी थी जिससे वो सर्वे का काम पूरा नहीं हो चुका था। तो इसी को लेकर जो है हिंदू पक्ष जो है दोबारा सर्वे की मांग को लेकर पूरे जो है विस्तार परिसर की और मंदिर दोबारा परिसर की मांग को लेकर सर्वे करने के लिए जिला प्रशासन वाराणसी में जो है एक याचिका दी गई थी जिसकी सुनवाई आज दोपहर के बाद की जाएगी और ये सुनवाई जो है जिला जज डॉक्टर अजय सिंह विशेष की अगुवाई में होगी, उनके न्यायालय में होगी। मयूरी जी, विवेक, ये सुनवाई कितने बजे होगी और क्या लगता है सुनवाई में क्या कुछ फैसला हो सकता है? मयूरी, दोपहर के बाद का समय निश्चित किया गया है इस सुनवाई के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले मई में जो है एडवोकेट कमिश्नरी के तहत जो सर्वे हुआ था उसमें मुस्लिम पक्ष ने तहखानों से लेके मस्जिद की जो ईंटों से ढकी दीवारों से कुछ हिस्सा था मिट्टी से फाटा गया था जिसके सर्वे पे उसने आपत्ति जताई थी और उसके बाद जो है उन्होंने इसे इस पर लिया गया था जिससे वो सर्वे जो है पूरा नहीं हो चुका था। इस पर अदालत ने उनसे जवाब मांगा था कि इन हिस्सों में सर्वे से आपको क्या आपत्ति है जिससे मुस्लिम पक्ष ने और मस्जिद कमेटी ने जो है जवाब देने का समय मांगा था जिससे जिला सत्र न्यायालय ने 100 रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए उनको जवाब देने का समय दिया था। वही जहाँ तक बात की जाए तो पूरा हुआ था, सबसे पहले माता श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अर्चन की बात की गई थी, पहले साल में एक बार इनकी पूजा अर्चन हुई थी। हिंदू पक्ष ने याचिकाकर्ता राखी सिंह जो है 5 महिलाओं के साथ अपनी याचिका जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में दाखिल की थी। वहीं हिंदू पक्ष ने नियमित माँ श्रृंगार गौरी के पूजा पाठ की परमिशन जो है कोर्ट से मांगी थी जिसके वजह से वहाँ पे बाजूखाने से लेकर हर तरह के परिसर का जो है वो सर्वे हुआ था लेकिन वो सर्वे थोड़ा अधूरा रह गया था। अब जो मांग हिंदू पक्ष ने की है जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में
कि इस सर्वे को पूरे विश्वनाथ परिसर धाम के सर्वे को पूरा कराया जाए, जिसमें तहखाने का भी हिस्सा है, ईंटों से ढकी हुई मस्जिद की दीवारों का हिस्सा है और कुछ हिस्सा जो मिट्टी से पाट दिया गया था उसका भी हिस्सा है, जिसको हिंदू पक्ष सर्वे कराने की मांग कर रहा था। क्योंकि जब मयूरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब विश्वनाथ धाम परिसर और आउटडोर का जो काम हो रहा था, जब इसका विस्तारीकरण हो रहा था, तो करमाकर लाइब्रेरी से जब इसको परिसर का चौड़ीकरण हो रहा था, विस्तारीकरण हो रहा था, तो लाइब्रेरी को ध्वस्त किया गया था और वहाँ से दो दो फुट की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी बरामद हुई थी। याचिकाकर्ता राकेश सिंह ने कोर्ट से ये अनुरोध किया है कि इन मूर्तियों को संरक्षित किया जाए और परिसर की तहखाने से लेकर जितने भी हिस्से बाकी रह गए थे पहले सर्वे में, उनकी दोबारा से सर्वे हो, दोबारा से परिसर का पूरा सर्वे हो और जो पहले सर्वे में जो थोड़े बहुत सबूत मिले थे, मंदिर के साक्ष्य मिले थे, जो अवशेष मिले थे, उस साक्ष्य को पुख्ता करने के लिए दोबारा सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में दाखिल किया गया है, जिसको आज दोपहर बाद जो है सुनवाई होनी है। मयूरी विवेक, ये हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा जिसमें तहखाने और दीवार को हटाने को लेकर सुनवाई होगी, तो इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? जी, अगर हम बात कर दें जो मई में जो एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे हो रहा था, तो वो सर्वे तहखाने और जो मस्जिद की ईंटें हैं जो ईंटों से ढकी हुई थे और कुछ ऐसा हिस्सा बिछा जिससे मट्टी से पाटा गया था, तो मुस्लिम पक्ष ने इसकी आपत्ति जताई थी और अपनी मांग को लेकर जो है जिला सत्र न्यायालय में गया था और इस सर्वे पर रोक लगाई थी। हालांकि जिला सत्र न्यायालय ने इस पे उन्होंने उनका जवाब भी मांगा, मुस्लिम पक्ष से जवाब भी मांगा कि सर्वे जो है इस पे आपत्ति क्यों जता रही है, तो मुस्लिम पक्ष ने दोबारा जो है जवाब देने के लिए समय मांगा था। हालांकि न्यायालय ने उन्हें समय दे दिया था, लेकिन 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। और दूसरी तरफ जो है हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले सर्वे में हमें मंदिर के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और दोबारा जो परिसर का जब पूरा सर्वे होगा, तहखाने से लेकर पाटे हुए हिस्से से लेकर जो मस्जिद की जो दीवारें हैं जो हटी हुई है उसको हटाने से लेकर जब पूरा सर्वे होगा, तो ये उनका कहना है, हिंदू पक्ष का कहना है कि इस पूरे सर्वे से उनके जो है पुख्ता प्रमाण जो है, सबूत जो है सामने आएंगे कि इस परिसर में ये पहले मंदिर का परिसर था, श्रृंगार गौरी की पूजा होती रहती थी, जिसको मांग के लेकर राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी, इसी को लेकर जो है हिंदू पक्ष जो है दोबारा सर्वे कराने की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है इस सर्वे को पहले कराने से रोका था, आज उसकी सुनवाई है वाराणसी में जिला सत्र न्यायालय में, डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत में आज इसकी सुनवाई है कि ये सर्वे पूरा होगा या नहीं होगा। दोपहर बाद का समय निर्धारित किया गया है और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों पक्षों की सारी बात सुनी गई है, सारे तरीके की बात सुनी गई है, हर पक्ष ने अपना दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा है और बाकी का निर्णय न्यायालय का होगा, वाराणसी जिला सत्र न्यायालय का होगा मयूरी, कि इस सर्वे को पूरा किया जाना है या नहीं किया जाना है। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। संबल विकास खंड की ग्राम पंचायत पिपली रहमापुर मिलक में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफी तादाद में मच्छर पनपने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मच्छरों के काटने से मलेरिया होने की वजह से अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि जिला अधिकारी तथा DPRO ने कई बार ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को सफाई के आदेश दिए हैं, लेकिन जिला अधिकारी तथा DPRO के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सफाई कराने की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो रही है। पसरी हुई है, क्यों पसरी हुई है? इसमें आपने सफाई कर्मचारी नहीं आता आपके यहाँ पर? आ गए, पूरा ही ना उठा था नाली से। आपने प्रधान से एकाध बार शिकायत नहीं करी इसकी? क्यों? इसकी वजह से बीमारी नहीं फैल रही है गाँव में? बीमारी तो फैल ही गई है। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये गांव में आपकी गंदगी पसरी हुई है, इसमें आप सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता है? एक महीने में आ रहे, एक बार, वो भी एक डेढ़ महीने में। एक आध बार आपने प्रधान से शिकायत करी? अरे प्रधान जी कहना है, बोले हो जाएगा। अच्छा, कितने ये गांव में आपकी गंदगी पसरी पड़ी है, कैसे करते हैं आप इसमें? अरे ऐसे करना पड़ता है, सफाई कर्मचारी नहीं आता है? प्रधान से एक आध बार आपने कहा? सुना ना, कोई सुना? आपने शिकायतें करी हैं इसके प्रधान से?
निरी फेरी जब वोट लेने ना तो वो कह दें कि हाँ डलवाएंगे वोटों से पहले, फिर न सुनता कोई भी। अच्छा यहाँ पर फिर बारिश में आप लोग कैसे निकलते हैं? पानी में घुल गए हम, इसमें जितने पानी में मैं घर में उदय लबी है, घर में घुल गए भैया, सबर कर लिया है। जब सरकारी आदमी आएंगे ऊपर से आ जाएगा तो कभी पड़ ही जाएगा गरीब आदमी। अच्छा ये रास्ता जो खराब है यहाँ से कैसे निकलते हैं आप लोग? गाड़ी में निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं? गांव कौन सा पड़ता है? पीपली रेवानपुर। आपने एक आध बार प्रधान से शिकायत करी इस बारे में? कई बार कर दी। फिर क्या क्या कहते हैं प्रधान? कहते हैं डाल देंगे नाप नाप को ले जाए, डाल ही ना रहे। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, जहां एक तरफ संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दूं, जनपद संभल के पीपली रेमापुर का पूरा ग्राम पंचायत का मामला है और इस ग्राम प्रधान और सचिव जेब भरने में लगे पड़े हैं और काफी गंदगी का ग्राम है वो काफी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। करने के बाद में जब बीमारी बढ़ती जा रही है और डेंगू की बीमारी से कई 3 लोगों की मौत हो जाती है एक ही दिन में, और आला अधिकारी जो इसमें मौन बने हुए हैं, इनके खिलाफ कोई ग्राम प्रधान के सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोई काम नहीं कर रही है संभल जिले में। और संभल जिले की बात की जाए, डेंगू के मरीज दम पे दम बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पतालों में बेड भी भरे पड़े हैं और कोई भी इसके कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और योगी सरकार लाख दावे कर रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर और सफाई सुथराई को लेकर, और दावे फेल नजर आ रहे हैं संभल जिले में। और ऐसा माना जा रहा है, मनीष बंसल डीएम जगह जगह क्या कहें सब खुद ग्राम पंचायतों में जाके और विवरण कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, उनके आदेशों की झज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुबारक, जिले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मलेरिया से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, किसकी लापरवाही सामने आई है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इसमें आला अधिकारियों की भी लापरवाही है और इसमें ग्राम प्रधान और सचिवों की भी लापरवाही है। एक ग्राम पंचायत पीपली रेमापुर नहीं है, कई ग्राम पंचायतों के ऐसे मामले और गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। और जो कहा सफाई सुथराई को लेकर जो मोदी और योगी जी के क्या कहें जो लाख दावे करते हैं, सो क्या कहें जो जगह जगह सफाइयां कराते हैं वो कराते हैं, फिर भी संभल जिले में कोई भी सफाई का क्या कहें कोई भी सफाईकर्मी सफाई करने नहीं जाते हैं, अपनी ड्यूटी को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं करने के बाद में और अपने प्रधान से साइन फाइन करा के और उसे क्या कहें फंड डाल दिया जाता है। और ग्रामों का काफी दिनों से ये आरोप है जो ग्राम प्रधान पे आरोप लगाया है, बोले वोट लेने आते हैं और वोट लेने के बाद में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प अब